हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। बहुत दिनों से फैदाबाद की जनता हमसे एक सवाल कर रही थी कि मझावली या FNG जिसे हम कहते हैं, ये जो नोएडा से फैदाबाद को जोड़ेगा और इसकी अपडेट जरूर दिखाएं। काफी लंबा टाइम हो चुका है अपडेट्स नहीं पता, तो हम आपको आज अपडेट्स दिखाने के लिए पहुंचे हैं कि किस तरीके से यहाँ वर्क काम चल रहा है और किस तरीके से आप देखिए चारों तरफ से जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑलरेडी मशीनें लगी पड़ी और ये FNG का जो पुल है, ये मझावली का जो पुल जिसे हम कहते हैं यमुना पर बन रहा है। इसके बनने के बाद फैदाबाद की जो विकास की दौर है वो काफी स्पीड में आएगी, कंफर्म है। नेता लगे पड़े हैं, विधायक लगे पड़े हैं, मंत्री लोग लगे पड़े हैं, जो सांसद है हमारे वो लगे पड़े हैं, लेकिन स्पीड क्या रहेगी वो आपको बता दें। फिलहाल के तौर पे इसकी मझावली पुल को बनाने के लिए आपको बता दूं कई बार डेडलाइन बनाएगी। 2014 में इसकी शुरुआत की गई, नितिन गडकरी साहब इसकी ओपनिंग करने के लिए आए थे, 2019 इसकी डेडलाइन रखी गई, लेकिन कोरोना काल आया, फिर 21 जून को इसकी डेडलाइन रखी गई, लेकिन अब माना जा रहा है कि अगले साल 2024 में फरवरी तक शायद ये तैयार हो जाएगा। शायद इसलिए वर्ड लगा रहा हूं कि सरकार की बातों में थोड़ा कम भरोसा होता है कि डेडलाइन बढ़ती चली जाती है, क्योंकि कई बार आगे पीछे होता है, सरकार लाप लपेट करने लग जाती है, गोलियां देने लग जाती है, सीधा सीधा फंडा है। तो अभी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है हिसाब किताब। अभी आ गया ये आपको दादू, कम से कम आपको 600 के आसपास के करोड़ की लागत से बन रहा है, 4 लेन का पुल है। इधर तो जिस तरह कहते हैं हरियाणा की तरफ से तो पुल बन के तैयार हो गया, अभी माना जा रहा है कि यूपी की तरफ, जो उधर यूपी की तरफ पड़ता है, यूपी उधर पड़ता है, यूपी की तरफ की कुछ सड़कें हैं जो 12 से लेकर 16 किलोमीटर की सड़कें हैं, उस पर शायद अभी सरकार से बातचीत चल रही है, वहां पर थोड़ा सा इशू आ रहा है, उस इशू को भी क्लियर करने के लिए सरकार से आपस में बातचीत चल रही है। हरियाणा की तरफ से अगर बात करें, फैदाबाद की तरफ से बात करें, तो ये पुल ऑलमोस्ट अधिकतर रेडी हो चुका है। हाँ, सड़क बनाने का काम होगा, क्योंकि आपने पुल तो दे दोगे भैया, सीधा सीधा सरकार से बात करते हैं कि अगर पुल तो आप दे देंगे, लेकिन चलेंगे कहां लोग बात, क्योंकि ये रास्ता जो आ रहा है फैदाबाद से मझावली का बड़ा ही गंदा है। मतलब अगर आप गाड़ी लेके आ रहे हैं तो समझिए गालियां मिलेंगी, अगर आप साइकिल भी लेके आ रहे हैं तब भी गालियां मिलेंगी, मतलब किसी भी चीज से आ रहे हैं, पैदल आओगे तो ठीक ठाक है, मतलब गड्ढों से बच के आ जाओगे, रास्ता बड़ा बेकार है। जो रास्ता बनकर आप दोगे पब्लिक के लिए, वो रास्ता बिल्कुल बद से बदतर है, तो वो बना के कब दोगे ये अभी सरकार से पूछना पड़ेगा, ये सरकार की जानकारी है। यमुना के आसपास 1 किलोमीटर के आसपास का जो बांध होता है ताकि गांव में पानी ना भर जाए, जब पुल चल रहा होता है तो बेस लोड पड़ता है गाड़ियों का, बहुत सारी चीजों का, सड़कों का होता है, तो उसको लेके भी वहां पर आप देख रहे हैं कि बांध बना दिए गए हैं ताकि डैम इस तरीके से कि ताकि परेशानी किसी को ना आए उधर भी। और ये देख रहे हैं पूरी तरीके से जिस तरीके से सेगमेंट वेगमेंट डाल के तैयार कर दिया गया है, ऊपर बस ग्रिल विल का काम चल रहा है, आप ऊपर देख रहे हैं लाइटिंग वाइटिंग का भी पता नहीं कब चलाएंगे। गाड़ियां ऑलमोस्ट यहां से निकल के सीधा सीधा उधर चली जाती है नोएडा की तरफ। 10-12 भाई बहुत तेज, यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ गाड़ियां निकल रही हैं तो डस्ट बहुत उड़ रहा है, तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ से गाड़ियां निकल के जाती हैं, कोशिश करेंगे हम उस छोर से दिखाइएगा, हम उस छोर से इस गाड़ियों को दिखाने की कोशिश करें कि जो छोर है, हम उस छोर पर भी जाने की कोशिश करेंगे कि वहां जो आप छोर देख रहे हैं वो छोर पर भी हम कोशिश करेंगे वहां से क्या हालात है। देखिए गाड़ियां जिस तरीके से यहां से निकल के जा रही हैं, वहां से गाड़ियां पूरी तरीके से कंप्लीट वहां तक जाती हैं। हम भी पूरी तरह से, हमारे पास जनता की लगातार हमारे पास डिमांड आ रही थी कि भैया ये अपडेट्स क्या है, मझावली की क्या अपडेट्स हैं वो जरूर दिखाएं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो अपडेट्स दिखाने के लिए आप आ रहे हैं। जितने भी साथी हमारे साथ देख रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स यहाँ पर कंटिन्यू आ रहे हैं, आके अपने अपने बायर को लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर देखा जा रहा है, मेरे कुछ देर पहले कुछ लोग हमसे भी टकरा गए, तो बायर लेके आ रहे हैं ताकि बता सकें कि भैया ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये बन के तैयार हो रहा है, ताकि प्रॉपर्टी का भी मुनाफा उनको मिल सके। ऐसा नहीं है, ये इधर आप देख रहे हैं कि ये ऊपर जो आप देख रहे हैं कि यार ये बांध बनाने का काम ऑलरेडी यमुना के आसपास चल रहा है, गाड़ियां लगातार वहां से आ रही हैं, कंटिन्यू गाड़ियां वहां से देखिए आ रही हैं, उधर से गाड़ियां नोएडा की तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, तो ये लेकिन बीच का रास्ता जो है बड़ा ही गंदा है, जो आप अगर मझावली से फैदाबाद से मझावली पुल की तरफ आते हैं एक बार जाने की कोशिश करते हैं। भैया एक मिनट सर, क्या कहना चाहेंगे, रास्ते से आ रहे हैं, रास्ता भी ठीक है या फिर आपको लगता है कि ये मझावली पुल बन रहा है, तो क्या फील करते हैं आप सब? बहुत बढ़िया जी, ये जो मझावली पुल बना हुआ है, मझावली जो पुल बना हुआ है ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश का एक जो है भारतीय संस्कृति, हरियाणा संस्कृति और यूपी संस्कृति को शॉर्टकट में बताइए सर, लंबा नहीं पूछा, कैसा फील करते हैं? ये बहुत अच्छा फील करता है, ये बताइए बस, खत्म कहानी। ऑलरेडी बता रहे जितने भी लोग वहां से गाड़ी लेके आ रहे हैं वो परेशानी इस बात की नहीं आती, क्योंकि आप सब भाई सब डीलर वीलर हो क्या? डीलर वीलर हो आप सब? अच्छा यही रहते हैं आप? इनको मालूम होगा ये
अच्छा भाई कौन है यहाँ पर? तो अभी आप फिलहाल में यहाँ आए कि पुल देखने आए? कहाँ से आए अभी आप? पुल देखने आए थे। अच्छा कहाँ से वैसे आप आए? एनआईटी फरीदाबाद। अच्छा एनआईटी फरीदाबाद से अपडेट्स देखने आए हैं। क्या अपडेट्स हैं? क्यों इधर कुछ प्रॉपर्टी वॉपर्टी इन्वेस्टमेंट वेस्टमेंट कर रखा है? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। अच्छा सोच रहे हैं यहाँ पर? सोच रहे थे। अच्छा यहाँ कर सके नहीं कर सके? अच्छा किन्हीं ने बताया होगा कब बन के तैयार हो रहा है, अगर किसी ने बताया? नहीं अभी कोई ऐसी बात। मतलब यह है कि लोग यहाँ देखने के लिए भी आ रहे हैं कि पुल अगर कितना अपडेट यहाँ मिला है, यहाँ क्यों एनआईटी से आ रहे हैं, तो कोशिश कीजिए फैदाबाद की जनता को तो हम अपडेट दे रहे हैं, आने की घर से आने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं। और आपको देखिए उधर से देखिए ट्रक वो निकल रहे हैं, बड़े बड़े ट्रक वहाँ से जो निकल रहे हैं, मट्टियाँ भर भर के डाल डाल के आ रहे हैं, वो उधर से बांध बनाने की कोशिश की जा रही है। चलिए हम भी गाड़ी में एक सफर करते हैं वहाँ तक, ऊंचा नीचा थोड़ा सा दाएं बाएं वाला सफर है जिस तरीके से गाड़ियाँ निकल के आ रही हैं, और कोशिश करेंगे कि हम भी उस गाड़ियों के सफर में आपको अपडेट दे सकें। बने रहिए हमारे साथ। उधर हम आगे चल के आपको आगे के अपडेट भी दिखाएंगे। चलिए कोशिश कर रहे हैं कि हम भी यहां से एक सफर करते हैं वहां तक का जाने के लिए, और उसके बाद आपको बताएंगे कि अपडेट्स क्या हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। कोशिश कर रहे हैं कि वहां तक पब्लिक निकल निकल के तो आ रही है, एक बार हम भी वहां तक ही ड्राइव करते हैं, उसके बाद हाथ ऊपर कोशिश करते हैं कि देखिए आप देखते रहिए ऊपर का जो सेगमेंट जिस तरीके से है वो पुल पर, उस दूसरे छोर से जो नोएडा का दूसरा छोर है, मतलब यमुना का जो दूसरा छोर है, वहां से फ्लाईओवर का बेस कैसे दिखता है या फ्लाईओवर कैसे इस तरीके से बन रहा है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फ्लाईओवर एक बार दिखाइए। और ये अभी फिलहाल के तौर पर साइड में नीचे की ओर सड़क बना दी गई है ताकि लोग अभी अपडेट्स लेने के लिए लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। हो सकता है नेटवर्क इशू आ जाए क्योंकि हम यमुना के उस छोर पर जा रहे हैं, दूसरी तरफ छोर पर देखिए जिस तरीके से गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ियों अभी आ रही हैं, तो कोशिश करते हैं कि हम भी उधर से दिखा दें, क्योंकि आए हैं और पूरी अपडेट दे के जाएंगे जनता को। अभी फिलहाल को तो एक कच्चा दगड़ा है, कच्चा रास्ता जिस तरीके से बनाया गया है, अभी जिगजैग वाला रास्ता है, थोड़ा धचकियों से बड़ा रास्ता है, तो कोशिश देखिए साइड में जो पत्थर वत्थर हैं ये भी पूरी तरीके से हटाएंगे। और लेडीज जेसीबी वेसीबी का जिस तरीके से यहाँ पर खड़ी है पब्लिक है, साइड के काम हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखा सकें। ये देखिए यमुना है, यमुना माता जी है हमारी, यमुना मैया। ऊपर से एक बार ऊपर का दिखाई, ये देखिए ऊपर की फोर लेन का जिस तरीके से काम है, ये फोर लेन का जिस तरह ये वर्क है, वो फोर लेन का काम जिस तरीके से चल रहा है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये यमुना नदी है। देखिए वो यमुना नदी है, इधर से आप देख रहे हैं यमुना नदी ये है, इस पर एक पुल, ये जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं पुल, यहाँ से पुल पर हम चढ़ेंगे और कोशिश करेंगे दूसरे छोर पर, वहां जो दूसरा छोर है उस छोर पर आपको देखे दिखा दें कि ये जो FNG या कहते हैं मझावली पुल जो बन रहा है उस मुद्दे को हम कोशिश कर सकें अपडेट दिखा सके आपको। बने रहिए आप हमारे साथ, हम चल रहे हैं दूसरे छोर पर, क्योंकि गाड़ियां अगर जा सकती हैं तो क्यों ना। अरे बाबा रे बाबा, ये तो डेंजर है, ओम साइना डेंजर है भाई साहब। ये देखिएगा अभी फिलहाल के तौर पर ये बहुत ही कच्चा ऐसा पुल बनाया गया है, कोई हैवी व्हीकल्स इसमें नहीं निकल सकता, बड़ा खतरों से बड़ा रास्ता है वैसे ही आज के टाइम पे। ये देखिए सामने से आप देख रहे हैं बैल बुग्गी भी रिश्तों, ये देखिएगा पीछ जिस तरीके से, ये देखिए डैम बम, ये यमुना नदी है, यमुना नदी के पानी को जिस तरीके से रोक कर बनाने की कोशिश की जा रही है वो हम आपको अपडेट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए आगे का जिस तरीके से हाफ है वो हाफ रास्ता है, नीचे का एक दगड़ा है आपको बता दूं, जो कच्चा दगड़ा होता है नदी के ऊपर जो दगड़ा बनाया गया है ताकि थोड़ी बहुत व्हीकल निकल जाए, लेकिन फिलहाल के तौर पर गाड़ी तो फिलहाल के तौर पर निकल जाती है क्योंकि हमारी भी गाड़ी निकल गई है अभी, लेकिन हाँ दूसरे छोर पर हम चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे छोर पर आप दिखा सकें दस, जब मेरी दूसरी साइड दिखाइए एक बार, ये देखिए दस कितनी बुरी तरीके से उड़ उड़ के आ रहा है, बाबा रे बाबा। हाँ अगर आप व्हीकल से जाएंगे तो कन्फर्म है होली मिलन समारोह तो यहीं हो जाएगा आपको अच्छा खासा। यह है दूसरा छोर, कोशिश भाई क्या कर रहे हैं आप, दस से भरा हुआ है पूरी तरीके से, हम दूसरे छोर पे हम चल रहे हैं और वहां दूसरे छोर को कोशिश करेंगे हम दूसरे छोर से भी आपको ये मझावली का वो अपडेट दे सकें, मझावली पुल की अपडेट दे सकें कि अपडेट्स में क्या है क्या आ रहा है। ये देखिए साइड से यहां भी आप सामने आप जो देख रहे हैं वो डैम बनाने का, इस वक्त हम यूपी साइड एरिया में है, अब हम हरियाणा से हम यूपी में आ चुके हैं आपको बता दें, ये यूपी का
हिस्सा है, जिस तरीके अब यूपी के हिस्से में जो आए अभी फिलहाल के तौर पर जहां से हम खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे थे वो हरियाणा का हिस्सा था। 2014 में इस मझावली पुल की शुरुआत की गई और कहा जा रहा था कि 2019 में ये बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि 2019 का इलेक्शन था, लोकसभा का इलेक्शन था, तो टारगेट भी 2019 का रखा गया। अब माना जा रहा है कि 2024 में फिर लोकसभा के इलेक्शन आएंगे, तो हो सकता है कि इसका 2024, वैसे ही बोला जा रहा है कि फरवरी 2024 में इसको बनने का बोला है कि ये बनकर तैयार हो जाएगा, 2024 की बात कही जा रही है। अब हम 2024 में देखेंगे, क्योंकि सरकार की ये डेडलाइन बार बार आगे पीछे हो रही है, तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन बन जाती है कि क्या सच में ये बनकर तैयार होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल के तौर पर हम वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कई दूसरी अपडेट्स हमें मिल जाए, तो कोशिश हमारी अपडेट्स देने की रहेगी। मैं कोशिश करता हूं कि कहीं गाड़ी पार्क कर देता पहले एक बार की। कोशिश कर रहे हैं हम। प्लीज सेलेक्ट द पार्किंग मोड इफ यू नीड असिस्टेंस। गड्ढा भी चाहिए। अच्छा दादा, एक बार यही लगाते हैं। प्लीज एक बार रुकिएगा। ये पकड़िए एक बार। लाइए, हम कोशिश करते हैं कि दूसरी अपडेट्स आपको यहां से दिखा सकें, क्योंकि फिलहाल के तौर पे यहां देख रहे हैं खेती बाड़ी चल रही है। लेकिन ये अपडेट्स जो दूसरी तरफ से हम आ रहे हैं, ये दूसरी अपडेट्स देखिए, यहां ये लाश इसका छोर है, तो लाश छोर के आसपास ये हम कोशिश कर रहे हैं कि लाश छोर के आसपास यहां से निकाल के हम आपको दिखा सके। ये देखिए लाश छोर। साहब एक मिनट रुकिए, इनसे पूछते हैं जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, पब्लिक है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर उस पर हम चढ़ जाएं, वहां से हम दिखा सकें बात, तो वहां से हम कोशिश करते हैं। आप यहीं रुकिएगा, तुम चढ़ जाओगे, देखते हैं। हम कोशिश करते हैं कि ये देखिए बांध बनाया जा रहा है पूरी तरीके से, ताकि यमुना का पानी जिस तरीके से आ रहा है जा रहा है उसको लेकर परेशानी ना हो। यहां तक ये जाल वाला नेट है, हम कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर जाकर वहां तक आपको अपडेट्स दिखा सकें। काफी ऊंचा है, तार वार है भाई, सभी तो माइक अलग पकड़ना पड़ रहा है, ये तो पहाड़ी वाला एरिया पड़ गया। जय माता दी। एक मिनट, यहाँ तार वार बिछा रखी है इन्होंने, कोशिश। ये देखिए अपडेट्स, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपडेट्स आपको दिखा सकूँ। यहाँ और आ जाता हूँ, एक बार ऊपर चलते हैं तो शायद और आपको अपडेट्स हम दे सकें। ये मझावली पुल की अपडेट्स है क्या? ओके, ये हम आगे सबसे ऊपर, ये देखिएगा इस तरीके का ये अपडेट्स है। यहाँ से ये वहाँ तक पुल का है, पुल का ये छोर यहाँ आके ख़त्म हो रहा है। इसके बाद ही बताया जा रहा है कि ये जो यूपी साइड की ज़मीन में है, यहाँ पर 14 से शायद 16 किलोमीटर की जो सड़क है, समथिंग इतना बताया जा रहा है, इस पर थोड़ा इशू आ रहा है, तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए मान के चलिए सरकार से बात की जा रही है। जिस तरीके से ये आप मेरे ये देख रहे हैं, सड़क जो बनी हुई है, सड़क नहीं है ये, दरअसल क्या है कि यमुना का जो यमुना नदी वहाँ पर है, इस यमुना नदी का पानी ऊपर ना आ जाए, इसलिए डैम की तरह इसको बनाया जा रहा है। तो ये आप देखिए जिस तरीके, यहाँ पर आप देखिए पब्लिक वहाँ डैम से उधर से देखिए, वो डैम से वहाँ से घूमते हुए ऑलरेडी वो आती है और ऐसे करके यहाँ से होकर निकल जा रही है यूपी साइड में। कोशिश ये रही, ये है डैम का पूरा हिस्सा लास्ट तक। गाड़ियाँ किस तरीके से जा रही हैं वो देखिए, गाड़ियाँ पूरी तरीके से वहाँ तक हैं। ये है यमुना की अपडेट्स और ये है मझावली पुल की अपडेट्स, क्योंकि ये अभी फिलहाल के तौर पे खेती बाड़ी की ज़मीन है, ये आप देख रहे हैं। और वहाँ आप देख रहे हैं जो लंबी लंबी ऊंची ऊंची टावर्स दिख रहे हैं, वो इन नोएडा के हैं। हम इस वक्त बता दें यूपी की ज़मीन पर खड़े हैं, वो देखिएगा वो सामने ऊंचे ऊंचे टावर्स आप देख रहे हैं, ये ऊंचे टावर्स आप देख रहे हैं, ये ऊंचे टावर्स आप जो देख रहे हैं ये वाले। तो ये सारे जो अपडेट्स हैं फिलहाल के तौर पर मझावली पुल की अपडेट्स ये है, और ओवरऑल पर यह है कि हाँ, 2014 की जो शुरुआत हुई थी, 19 में जो बनाने का टास्क था, वो टास्क को थोड़ा सा लंबा कर दिया गया है। अभी फिलहाल के तौर पे माना जा रहा है कि अगले साल फरवरी तक ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि सरकार बना के कब तक रेडी करती है, क्योंकि ये मझावली पुल बनने के बाद ये देखिएगा, ये पुल तो ऑलरेडी यहाँ से लेकर वहाँ तक की अपडेट्स, पूरा पुल ऑलरेडी सेगमेंट डाल दिए गए हैं, ऑलरेडी कॉलम डाल दिए गए हैं, सब कुछ डल गया है, बस ऊपर की तो जाली वाली जो है ग्रिल विल लगाने का काम चल रहा है, वो देखिएगा ऊपर से। लेकिन हाँ, लाइट वाइट का सिस्टम होगा वो, लेकिन जो सड़क है ये फ्लाईओवर जब उतरेगा
तो मेन है कि सड़क का इशू यहाँ भी है और सड़क का इशू अभी हरियाणा में भी है, क्योंकि ऑलरेडी पब्लिक जाएगी कहाँ से, ऊपर से कूद के उड़ के तो जाएगी नहीं, लेकिन जाएगी कहाँ से, सरकार को सोचने की आवश्यकता है कि साथ साथ में उसका काम भी शुरू करें। फ्लाईओवर का काम चलता रहेगा, लेकिन अगर फ्लाईओवर के साथ साथ सड़क का काम चल रहा है तो ये जनता के फायदे का विषय होगा और नेताओं के लिए भी ये विषय फायदे का होगा, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं अगले साल, तो इस मुद्दे को उठाने के लिए नेता भी अपने आप को गुणगान कर सकते हैं और अपना वोट बैंक भी बढ़ा सकते हैं। तमाम जितने भी आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं, ये है मझावली पुल की अपडेट्स। वहाँ हमारी पत्रकार है, वो देखिए वहाँ पत्रकार है, वो ऑलरेडी है, गाड़ी हमारी खुद खड़ी है, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं कि ये फिलहाल के तौर पर जो डैम बनाया गया है इस डैम से चढ़कर आए हैं, तो कोशिश करेंगे अभी सही उतरेंगे, क्योंकि तार वार लगा दिए गए, उतरने के टाइम पर परेशानी खड़ी हो सकती है। पब्लिक जो इस पब्लिक देखिए, पब्लिक भी ऑलरेडी जिस तरीके से निकल रही है, गाड़ियों का अपडाउन यहाँ से आना जाना बना हो सकता है, ये कन्फर्म है। तो बने रहिए हमारे साथ, कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो अपडेट्स दिखा सकें जो अपडेट्स हमारे पास हैं, और वही अपडेट्स हम आपके पास लेके आए हैं साथियों के साथ। जितने हमारे साथी आप देख रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ 100। नमस्कार।